सरकार रोड पुल और पुलिया पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, मगर हकीकत में इंजीनियर साहब सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की लागत से बना पुल 2 फीट जमीन में धस गया है, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। इस पुल को इंजीनियर साहब ने घटिया सामग्री का प्रयोग कर जमीन के ऊपर बनवाया था, वहीं एक बरसात में 2 फीट जमीन के अंदर धस गया है। अब न जाने कब यह पुल जमींदोज हो जाए और किसी बड़ी घटना का कोई राहगीर शिकार हो जाए। इंजीनियर साहब की नायाब इंजीनियरिंग की कला आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी। बस्ती जिले के सल्टौआ ब्लॉक के परसा कुसुम गांव के पास नहर पर बना पुल अचानक क्षतिग्रस्त होकर एक तरफ धस गया, जिसकी वजह से दर्जनों गांव का आवागमन रुक गया है। करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक धसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुल का मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है, जिससे आवागमन को फिर से बहाल किया जा सके। एक्सीएन आर के गौतम ने कहा कि गांव वालों ने सिंचाई के लिए बांस बल्ली लगाकर पानी को रोका था, जिसकी वजह से पानी के अत्यधिक दबाव की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है, साथ ही शासन को नहर पर नए पुल का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। वैसे संबंधित विभाग ने क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करने का प्रयास किया, मगर कुछ ही समय बाद पुल फिर से जमीन के अंदर धस गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता कि अगर गुणवत्ता का ध्यान पहले रखा गया होता तो शायद विभाग को यह दिन न देखना पड़ता। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि विकासखंड में नहर विभाग की जो सिंचाई विभाग की नहर पर एक पुल बना हुआ था, जिसकी फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसमें कुछ समस्याएं आई हैं, उसकी मरम्मत भी की जा रही है और संबंधित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि उसके स्थान पर नए पुल की आवश्यकता है तो आवश्यक आंकड़े बनाकर शासन को प्रेषित करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित।